चलिए तो क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं ये डिफ्रेक्शन पैटर्न पे क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करेंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन अ रेड लाइट ऑफ पैंसठ सौ एंगस्ट्रॉम एक रेड लाइट है जिसका वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस टेन मीटर डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन अट जीरो पॉइंट 50 mm मतलब स्मॉल d की वैल्यू गिवन है 0.5 mm का मतलब होता है मिलीमीटर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पावर माइनस थ्री क्या हो जाएगा मीटर वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद करो वो कहानी ये ऐसे 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 डिफ्रेक्शन में होता था ऐसे ठीक है तो ये डार्क बैंड और ये डार्क बैंड इनके बीच का यही डिस्टेंस पूछ रहा है इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा याद आ रहा है तो देखो तो क्वेश्चन में आप समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में ये कभी सेंट्रल मैक्सिमा का नहीं पूछा गया पूछा है, की की है तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड ये दो डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड से दो डार्क बैंड के बीच की डिस्टेंस बताइए इसी को बोलते हैं विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो आपसे पूछ रहा है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है पूछ रहा है डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन प्लेस 1.8 मीटर मतलब स्क्रीन की दूरी मतलब 1.8 मीटर कैपिटल डी होता है स्क्रीन की दूरी ठीक है सो फॉर्मूला क्या था बेटा जल्दी बताओ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू था टू लेमडा डी बाई डी याद आ रहा है कुछ कुछ तो टू इन टू लेमडा की वैल्यू हो गया कितना बेटा 65 into, नीचे लिख लेते हैं इसको चलो यह हो जाएगा टू इंटू सिक्स माइनस टेन इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास कैपिटल डी की वैल्यू वैल्यून पॉइंट एट होल अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यून जीरो माइनस थ्री सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास मिली लगभग लगभग फोर पॉइंट सिक्स mm. एट मिलीमीटर 4.68 इनटू 10 डिपाउर माइनस 3 मीटर या लिख सकते हैं 4.68 मिली मीटर बात सुनना है पढ़ाक से नोट करिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है थोड़ा ध्यान देंगे कोई बात नहीं करेंगे प्लीज और समझने का प्रयास हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन डेफ्रेक्शन का है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर मिलते हैं ठीक है सो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन देखिए क्या है बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेगा सैंपल पेपर पलटिएगा यह क्वेश्चन आपको सेम टू सेम सेंट क्वेश्चन दिखाई देगा सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ फिर से वही वेवलेंथ आ गया पैंसठ सौ एंग्रॉम मतलब हो गया पैंसठ सौ इंटू टेन की पावर माइनस टेन मीटर थ्रू अ स्लिट मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर मतलब होगा जीरो पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर वाइड एंड फॉर्म्स अ डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑन अस्क्रीन स्क्रीन कितने दूरी पर रखा गया है वन पॉइंट एट मीटर अवे वट इज द विथ ऑ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए विट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों टू लेमडा डी बाई डी वेरी गुड सो जल्दी से बताओ टू लेमडा की वैल्यू पैंसठ सौ so, इंटू टेन की पावर माइनस टेन इंटू कैपिटल डी कितना है जीरो पॉइंट माइनस टू इसको हम सॉल्व कर लेते हैं लगभग मैं बता दे रहा हूं इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मिलीमीटर में निकालने के लिए तो ये हो जाएगा आपके पास टू पॉइंट थ्री फोर मिली मीटर इसका सेकेंड पार्ट ही सबसे दमदार है थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब क्या बोल रहा है इसी सेम सेटअप को है ना बोल रहा है व्हाट इज द सेंट्रल मैक्सिमा इन मिलीमीटर अच्छा व्हेन द अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.4/3 मतलब इस सेम सेटअप को उठा करके पानी के अंदर रख दिया गया ठीक है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है तो बताओ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा अभी तो ये कब था विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा था जब पूरी सिस्टम कहां पे थी एयर में रखी हुई थी अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इस पूरे सिस्टम को उठा करके कहां रख दिया जाए पानी में रख दिया जाए तो बताइए इसका विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा तो देखो बच्चों क्या फर्क पड़ेगा तो डी तो उतना ही रहेगा स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी और स्लिट मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी तो सेम रहेगा चेंज किस में आएगा

थ्री बाई फोर इंटू पैंसठ सौ इंटू टेन की पावर माइनस टेन ये आ गया लेमडा डैस अब न्यू विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा न्यू विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा बच्चों ये हो गया टू लेमडा डैस कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी अब नया वेवल यहां रख देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा टू इंटू की वैल्यू कितनी आ गई ऊपर थी थ्री बाई फोर इंटू पैसठ सौ इंटू टेन की पावर माइनस अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस टू इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट एट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग लगभग मिल रहा है ये आपके पास वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव टू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर मिली मीटर में निकालोगे तो तो ये फॉर्मूला ये किसी भी मीडियम में डालना है आपको अगर बोल दिया गया था कि डाल दिया जाए, तो बताओ नया विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा तो पहले वेवलेंथ में चेंज आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा तो वेवलेंथ में कैसे चेंज आएगा जो नया वेवलेंथ होगा ये सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में लेमडा डैश इज इक्वल टू होगा लेमडा अपॉन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. इंडेक्स ठीक है तो उसका वेवलेंथ उसी हिसाब से मीडियम में चेंज हो जाता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अनुसार ही आपका वेवलेंथ चेंज होता चला जाता आपको है आपको तो आता ना प्रिज में जाते ही सात कलर अलग अलग टूट जा रहे हैं क्यों टूट जा रहे हैं सर है ना तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग लाइट की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मीडियम में जाते हैं उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टूटने लगते हो इसी के आधार पर नोट करो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और समझने का प्रयास करेंगे ठीक है एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है समझने का प्रयास करेंगे कौन आ गया भाई साहब ये कौन आया है बहुत जल्दी आया भाई साहब चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है अस्लिट ऑफ विट डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी ध्यान दीजिएगा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्लिट ऑफ विथ डी इज इल्यूमिनेटेड अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ आपके पास गिवन है 700 नैनोमीटर मतलब होगा 700 टू द मीटर नॉर्मल एट इंसिडेंस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी आपको डी की वैल्यू निकालनी है फॉर द पोजिशन बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है फॉर द पोजिशन बेटा बात में पीछे देखो पहला है फॉर मिनिमम फर्स्ट मिनिमम एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एट एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ डिग्री फर्स्ट मिनिमम निकालना है ठीक है और दूसरा मैक्सिमा की बात कर रहा है दूसरा बोल रहा है फर्स्ट 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 मैक्सिमा एट एन एंगल ऑफ ऑफ डिफ्लेक्शन डिग्री थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो हमने आपको एक फॉर्मुला बताया था

ठीक है वो जो हमने पार्ट डिफरेंस दिखाया था वीडियो में कि पार्ट डिफरेंस जो लास्ट था वो मिनिमा के लिए था एन और मैक्सिमा के लिए क्या था बताओ जल्दी से मैक्सिमा के लिए क्या था जल्दी बताओ थीटा किसके था? टू एन प्लस वन ले था ना अब थोड़ा शांतों के ध्यान से देखेंगे पहले तो डी साइन थीटा मतलब यहां से डी की वैल्यू निकालना है तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा एन लेमडा बाई साइन थीटा और बोल रहा है कितना फर्स्ट मिनिमा अब हम बताएं इसमें एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है one, two, three, और यहां N की वैल्यू किससे स्टार्ट होती है Zero, one, two, three, याद करिएगा तो फर्स्ट मतलब एन की वैल्यू वन रखेंगे रखो वन इंटू लेमडा की वैल्यू हो गई सात सौ इंटू टेन की पावर माइनस नाइन अपॉन में साइन थर्टी डिग्री क्योंकि थीटा की वैल्यू वैल्यून है थर्टी डिग्री सॉल्व कर लेते हैं पहले केस का जो आपके पास d की वैल्यू मिल रही है वो लगभग लगभग मिल रही है मीटर पहला समझ में आया दूसरे केस के लिए जल्दी बताइए d निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या होगा टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू साइन थीटा रख लीजिएगा n की वैल्यू क्या रखोगे जीरो रखो तो क्या मिल जाएगा लैमडा है ना लेडा की वैल्यू कितनी हो गई सात सौ इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन अपॉन में टू इंटू साइन थर्टी डिग्री इसमें भी एंगल कितना दिया है थर्टी डिग्री सॉल्व कर लेते हैं यहां पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो लगभग लगभग आ रही है ट्वेंटी वन इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन मीटर अब ध्यान देने वाली बात क्या थी हमने यहां एन की वैल्यू जीरो क्यों रखा और या हमने यहां एन की वैल्यू वन क्यों रखा याद है सबको पढ़ाते समय बताया था ना तो यहां पर याद रखिएगा n लेमडा रहेगा तो n की वैल्यू वन से स्टार्ट होगा और 2n एन प्लस वन रहेगा तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा फर्स्ट बोलेगा तो फर्स्ट का मतलब n की जगह जीरो और यहां फर्स्ट बोल रहा है तो n की जगह क्या वन ये गलती आप लोग मत करिएगा एग्जाम में ध्यान रखिएगा चलिए नोट कर लीजिए फटाफट ठीक है हाँ ये डिफ्रेक्शन है डिफ्रेक्शन में है तो हम एन की जगह यहां भी वन रखेंगे और यहां भी एन की जगह क्या रखेंगे one रखेंगे तो तो रख दो कितना हो थ्री इंटू सात सौ इंटू टेन पावर माइनस नाइन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है डिफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस में एन की जगह जीरो से स्टार्ट करेंगे ये बात को हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कौन है